हे गाइस, तो रिसेंटली सैमसंग ने अपने काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स के लिए एंड्रॉयड 14 बेस्ड One UI 6 का अपडेट रिलीज किया और जिन यूजर्स को अपडेट मिला, अपडेट करने के बाद अपने फोन में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। लाइक कोई एप्लीकेशन हो गया जो कि बार बार क्रैश कर रहा है। जैसे कि अगर मैं S21 FE की बात करूँ तो कीबोर्ड बार बार स्टॉप्ड हो रहा है। इसी तरह से फिंगरप्रिंट काफी सारे फोन्स के अंदर स्लो हो गया है या फिर परफेक्टली काम नहीं कर रहा है। कुछ फोन्स में कैमरा के अंदर लैग देखने को मिल रहा है, मीन्स अगर आप कोई भी फोटोज वगैरह ले रहे हो तो उस टाइम पे शटर थोड़ा सा स्लो रेस्पॉन्ड कर रहा है और कुछ स्मार्टफोन्स में टच भी सही से नहीं काम कर रहा है। तो ये तो जस्ट मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिया। अब हो सकता है कि आपके फोन में और भी किसी तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है अपने फोन को One UI 6 में अपडेट करने के बाद। बट नाउ इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला सोल्यूशन जो कि मैंने आप लोगों को काफी समय पहले ही बता दिया था कि अपने फोन को One UI 6 में अपडेट करने के बाद ये काम जरूर करना, वो है अपने फोन को एक बार फॉर्मेट या फिर हार्ड रिसेट। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमारे फोन के अंदर दुनिया भर की चीजें हैं। एक तो उन सभी चीजों को बैकअप रखना, अलग से हर एक एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन किया होता है, काफी सारे बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया, UPI एप्लीकेशन हो गया, उन सभी को सेटअप करना पड़ता है। तो इस केस में ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला चीज है और ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक और उपाय है, अपने फोन के अंदर जो भी कैश पार्टीशन है उसे आप एक बार क्लियर करो। अब कैश पार्टीशन को आप किस तरह से क्लियर कर सकते हो, ये बताने से पहले आपको ये जानना होगा कि कैश पार्टीशन क्या है। देखो, तो जब भी फोन के अंदर कोई भी मेजर अपडेट आता है, स्पेशली एंड्रॉइड वर्जन का, तो कुछ एंड्रॉइड 13 का इससे पहले अपडेट था, अभी रिसेंटली एंड्रॉइड 14 का अपडेट आया है, तो 13 के अंदर ऐसे कुछ फाइल्स है जो कि फालतू का है। मींस कि उन सारे फाइल्स का काम एंड्रॉइड 14 के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बट वो हमारे फोन के अंदर है। इससे फोन का स्टोरेज एंड रिसोर्सेस दोनों यूज हो रहा है। तो इस केस में अगर आप अपने फोन के अंदर जो कैश पार्टीशन है इसे क्लियर करते हो तो वो सारा फालतू का डेटा आपके फोन से डिलीट हो जाएगा और ज्यादातर प्रॉब्लम्स इन सारी कैश फाइल्स की वजह से ही हमें देखने को मिलता है। तो ये भी आपके फोन से एकदम ही खत्म हो जाएगा। अब इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपका कोई पुराना घर है, आपने रिसेंटली कोई नया घर लिया है, और ऐसा तो नहीं कि आपने पुराने घर में जो भी सामान जो भी चीज है वो सब कुछ अपने पुराने घर पे शिफ्ट कर दिया। कुछ ना कुछ फालतू का सामान, फालतू का चीजें आपके पुराने घर में होगा जिसको अभी के समय पे आपको लगता है कि नहीं ये किसी भी काम का नहीं है। तो उन सारी चीजों को आप क्या करते हो, या तो आप बेच देते हो या तो आप फेंक देते हो। नाउ अपने किसी भी सैमसंग के फोन में कैश पार्टीशन को क्लियर करने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला लैपटॉप एंड दूसरा हो गया एक केबल। लैपटॉप का काम यहाँ पे सिर्फ आपको कनेक्ट करना है, लैपटॉप के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आप लोग को लैपटॉप को ऑन करना है और केबल को आपको एक तरफ अपने लैपटॉप के अंदर लगाना है और केबल का एक साइड आपको आपके फोन के ऊपर लगाना है और इसके बाद अपने फोन को ऑफ कर लेना है। अब आपको अपने फोन में जो वॉल्यूम अप वाला बटन है और ये जो पावर बटन है दोनों को एक साथ प्रेस करके कुछ टाइम तक रखना है। देन आपको ये चीज देखने को मिलेगा, अभी आपके फोन के अंदर टच काम नहीं करेगा। ऑप्शंस को ऊपर नीचे करने के लिए वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन का इस्तेमाल करो एंड सिलेक्ट करने के लिए पावर बटन का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाइप कैसे पार्टीशन करके ऑप्शन है, तो सिंपली वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस कर करके आपको इस ऑप्शन के ऊपर लाना है और इसके जस्ट साइड में ही फैक्ट्री रिसेट वाला ऑप्शन है। तो आपको इस चीज को एकदम ध्यान रखना है, अगर आपने गलती से फैक्ट्री रिसेट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया तो आपके फोन से सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। नाउ अभी आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है इस पावर बटन की मदद से और यहाँ पे आपको कंफर्म करना है यस। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सक्सेसफुल वाला मैसेज आ गया। नाउ यहाँ पे इसका काम खत्म हो चुका है, अभी आपको अपने फोन को ऑन करना है नॉर्मली जिस तरह से आप करते हो, यानी कि पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है एंड आपका फोन सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा एंड आपके फोन से जो भी कैश पार्टीशन है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि लैपटॉप का काम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपली लैपटॉप को ऑन करना है और केबल का एक साइड आपको लैपटॉप में लगाना है बस। अगर आप केबल को कनेक्ट नहीं करते हो तो ये ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा आपके सैमसंग की फोन में। बाकी कैश पार्टीशन डिलीट करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले आप ये चेक करो, मतलब कि क्या वो किसी भी तरीके का बग तो नहीं है जो कि लगभग सारे यूजर्स को देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर बग हुआ तो ये करने के बाद भी आपके फोन में वो प्रॉब्लम बिल्कुल रहेगा। और इनकेस अगर ये करने के बाद भी आपके फोन से प्रॉब्लम नहीं जाता है तो आप एक दिन समय निकाल के अपने फोन को रिसेट जरूर कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसी बात पे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और फोन का प्राइस इंक्रीज क्यों हो रहा है ये जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए iDigital Touch को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।